पुत्र की प्राप्ति हो सकती है इस पुत्र द एकादशी पर व्रत रखने से और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स को समझिए राखी जी और मैं ये बात खुद भी पर्सनली मानती हूँ कि देश में जितनी बेटियों की ज़रूरत है उतनी बेटों की भी जरूरत है इस देश में आज बेटे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बेटियाँ तो कर ही रही हैं चलिए ठीक है कि उनका बलात्कार होता है उनको अपमानित किया जाता है बट बेटे भी डर डर कर ही घूम रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद हमें एक नारा बनाना पड़े जिस नारे में हो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ तो बेटों को भी इतनी अवेगना उनका इतना अपमान ना हो अगर हम अपने बेटे को सिर्फ इतना ज्ञान दें अगर हर बहन अपने भाई को इतना ज्ञान दे हर औरत अपने बच्चे को इतना ज्ञान दे पति को इतना ज्ञान दे कि स्त्री या पुरुष दोनों ही सम्मानित हैं और दोनों की ही रक्षा और सुरक्षा करने की जरूरत है क्या आपको नहीं पता कि कुछ लड़कों के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं कुछ सालों में पीछे जहां पर उन्हें आप बलात्कार ना कहें पर बलात्कार से कम भी नहीं है क्या सच में बेटे सुरक्षित हैं इस देश में नहीं क्या बेटी सुरक्षित है इस देश में नहीं बेटा या बेटी हो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की है कि हमने किसी को वोट दे दिया और सरकारें बैठ गई कोई प्रधानमंत्री बन गया तो कोई आ, मंत्री बन गया तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली नहीं मानती मैं ये बात हमारे घर के बच्चों की बेटा हो या बेटी जिम्मेदारी हम हैं आप हैं देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है केवल हाथ में झंडा पकड़ देने से हम भारतीय नहीं हो जाते तो आपको अगर पुत्र चाहिए तो बिंदास आप इस उपायों को करिए पुत्रता एकादशी पे पुत्र की प्राप्ति हो लेकिन पुत्र की प्राप्ति होने से पहले एक स्त्री होकर एक स्त्री से यह वादा कीजिए भगवान आपके घर में लल्ला दे लाल दे गोपाल दे कृष्णा दे राम दे जैसे पुत्र आपको चाहिए वैसे पुत्र मिले पर कोशिश कीजिएगा वादा कीजिएगा कि दे फर्स्ट से आपके घर की बेटियों की इज्जत कामवालियों की इज्जत आसपास की आंटियों की इज्जत मौसी की इज्जत बुआ की इज्जत आप अपने बच्चे को शुरू से बताएंगे कि स्त्री सम्मान का कारण है तभी पुत्र प्राप्त कीजिएगा तभी पुत्र प्राप्ति के लिए ये एकादशी के उपाय कीजिएगा वरना ऐसा ना हो कि कल आपको अपने इस बेटे के लिए जो आप मन्नतें मांग कर जो उपाय कर, कर कर आप ये बच्चा चाह रही हैं, इसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े और इसके साथ पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़े उम्मीद करती हूं कि आप तक मेरा मैसेज और बात जरूर पहुंची जो माए पुत्र की माँ है जैसे कि मैं भी देव की मां हूं एक जिम्मेदार मां हूं मैं हर वक्त देव को यह समझाती हूँ वेन गर्ल्स ए नो मीन्स नो इन एनी हाउ हर औरत के अंदर अपनी मां देखो कोई एक स्त्री होती है जो तुम्हारी पत्नी और जीवन साथी और संगनी बनकर आती है अरे कुछ मत करो जब आपका बेटा किसी लड़की को देखे गलत कमेंट करना शुरू कर देना उसी टाइम उसे रोको और उसे समझाओ कि बेटा औरत स्त्री घर में काम करने वाली मेड ही क्यों ना हो रिस्पेक्ट शक्ति का रूप है जैसे बहुत सारे लोगों ने खासकर पुरुषों ने जब राधे माँ की मैंने वीडियो डाली तो राधे माँ के लिए कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया भूल गए आप कि वो भी एक स्त्री है क्या किसी औरत के कपड़े उतारने से ही बलात्कार होता है क्या किसी औरत के ऊपर इस तरह के लांछन लगाने से और गलत शब्दों को इस्तेमाल करने से उस औरत का बलात्कार नहीं होता सोचिएगा जरूर अपने बच्चों को यही संस्कार देने आपने मैं तो फेल हो गई इसमें आप मेरा परिवार है और आपको मैं यही बात समझाती रही मान करो सम्मान करो अपना भी और दूसरों का भी आप लोगों की इज्जत करो लेकिन शायद मैं कुछ लोगों को नहीं समझा पाई चलिए शालीग्राम मंदिर में दान कर कर आने से शालीग्राम छोटा सा मिलेगा मंदिर में बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा इस दिन मंदिर में शालीग्राम दान कर कर आने से ब्राह्मण को देने से या तुलसी में रखकर आने से और प्रभु से कामना करने से कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो आपको पुत्र द एकादशी पर जो कि 6 जनवरी को है साल के छठे दिन ही भगवान आपको ये वरदान दे रहे हैं मैं तो कह रही हूं अगर आपके घर में ऑलरेडी पुत्र है जैसे देव मेरे घर में है आपके घर में बेटे हैं तो उनकी तरक्की के लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं कि वो इंसान बने मानव बने तरक्की करें जीवन में कुछ बने आपकी सेवा करें चार फल चार ड्राई फ्रूट कृष्ण जी के मंदिर में अर्पण करें फिर आप कहेंगे चार का आंकड़े के पीछे पता नहीं राखी जी क्यों पड़ी हैं 2020 में मैंने आपसे कहा ये राहु का नंबर है ये राहु का साल है तो चार ही चीजें चार तरह के फल या चार तरह के ड्राई फ्रूट मंदिर में दान कर कर आए और प्रभु से अपने लिए पुत्र मांगे काली बासुरी एक पंख आप अगर कृष्ण जी को अर्पण करें और उनसे कहें कि भगवान मेरे गर्व में मेरा बेटा बनकर आ जाओ तो आपकी मन्नत अगले वर्ष तक जरूर पूरी हो जाएगी सवा किलो चावल में चांदी का एक सिक्का रखकर अगर ब्राह्मण को दान कर दिया जाए इस एकादशी पर क्योंकि आपको याद होना चाहिए छह जनवरी की एकादशी ऐसे चावल खाने नहीं है अगर आप व्रत रख सके बेहद उत्तम ना रख सके तो कम से कम ये उपाय कर लें तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है अपने गुप्त अंगों को अगर आप दही से इस एकादशी पर धोएं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है ये हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव का इस दिन रुद्राभिषेक करवाना चाहिए तो आपको बहुत जल्द पुत्र की प्राप्ति होती है इधर तो शिव का रुद्राभिषेक करवा लीजिए और इधर विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लीजिए या करवा लीजिए या सुन लीजिए तो भी आपको पुत्र की प्राप्ति होती है गाय को आपको क्या करना है गाय का वरदान लेना है आशीर्वाद लेना है गाय की तीन परिक्रमा करनी है लेकिन गाय लाल रंग की होनी चाहिए अपनी इच्छा लिखकर भोजपत्र पर आपको कृष्ण जी के चरणों में रख देनी चाहिए भोजपत्र भी आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा तुलसी की आठ परिक्रमा करनी है आपको और आठ पत्ते खाने हैं सुबह उठते ही एकादशी वाले दिन क्योंकि एकादशी वाले दिन भी तुलसी को तोड़ते नहीं है तो आप पांच जनवरी को ही पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा लेकिन देख लीजिएगा कि पांच जनवरी को भी संडे नहीं होना चाहिए सूर्य की आपको पूजा करनी है सूर्य की पूजा कैसे करनी है समझिए एक कलश लेना है मिट्टी का अपने लिए लाके रख लीजिए इसी एकादशी से शुरू कीजिए एक मिट्टी का कलश उसमें एक चम्मच चीनी थोड़ी सी रोली थोड़ा सा गुड़ और आपको सूर्य को तर्पण छोड़ना है और हर रोज छोड़ना है इसी एकादशी से शुरू कीजिए या एक जनवरी से शुरू कर लीजिए और भगवान से ये प्रार्थना आराधना अर्चना उपासना करनी है कि मेरी कोख में बेटा आ जाए और नौ महीने में और मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे और मुझे एक हेल्दी बच्चा पैदा हो तो आपको निश्चित ही रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी दीर्घायु रहे सदा खुश रहे आप अगर आप गर्भवती हैं तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकती हैं सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने मन से एक बात जरूर पूछिएगा बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा जब तक बेटा होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता और बेटी तमाम जिंदगी बेटी होती है बल्कि बुढ़ापे में शादी के रूप में आपके दामाद को एक बेटे के रूप में आपके जीवन में ले आती है आगे आपकी मर्जी जय माता दी